हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका मैं अपने चैनल पे स्वागत करना चाहता हूँ एंड आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया मेरी पूरी वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे जो मैं आपको कंटेंट शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम एजुकेशन स्पेशल है, विदाउट एनी स्पेस। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो ये सारी कंटेंट आप देख पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आगे भी जो मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँ, आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, टाइमली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, आपको क्या पता है कि पीई रेशियो क्या होता है? आप पीई रेशियो की बेनिफिट आपको पता है फ्रेंड्स? आप पीई रेशियो से क्या बेनिफिट ले सकते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इन्वेस्ट करने से समय आपको ये भी सीखना है कि आप मार्केट से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके माइंड में स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, वो पीई रेशियो के बेसिस पे है। तो पीई रेशियो आप समझिए कैसे होता है एंड क्या होता है। पीई रेशियो निकालने के लिए फ्रेंड्स, पीई रेशियो आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है। पीई रेशियो के लिए आपको दो कंटेंट चाहिए, एक स्टॉक की प्राइस चाहिए और एक दूसरा अर्निंग पर शेयर चाहिए। देखिए, आप टिकट ऐप पे आ सकते हैं एंड किसी भी स्टॉक्स का अगर आपको ईपीएस चेक करना है, यहाँ आ करके आप हिस्टोरिकली वाइज इसका देख सकते हैं कि जैसे रिलायंस का ये 34 था, 37 था एंड 39 था, 50 था। आप एक अच्छे स्टॉक का मूवमेंट आप ये देखिएगा कि हमेशा उसकी जो पीई है वो बढ़ रही है, मतलब उसकी हर एक शेयर पे जो अर्निंग है वो बढ़ती रहनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं होता देन आप देखिएगा स्टॉक में मूवमेंट उसकी निगेटिव जरूर होगी। ठीक है, तो आप देखिए इसकी 92 है फ्रेंड्स, इसकी क्या और ईपीएस एंड इसकी जो प्राइस है क्या है अभी करंट में 2441 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपकी 27.13 मिलेगी। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए, और एक बार मैं आपके सामने खोल के भी कैलकुलेटर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 2447, ठीक है, 2447 डिवाइड बाई 92, राइट, अप्रोक्स वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है, आप देखिएगा तो ये वैल्यू आ रही है और ये फ्रिक्वेंटली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो अब आपने देख लिया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकल रही है। ठीक है, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक स्टॉक की है, सेम बेसिस में जो आपके निफ्टी 50 है वो कितनी स्टॉक की कॉम्बिनेशन है? निफ्टी 50 फ्रेंड्स 50 स्टॉक की कॉम्बिनेशन है, राइट। निफ्टी 50 की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालनी है तो कैसे निकलेगी? वो सेम वे में जितनी भी निफ्टी 50 में स्टॉक जो लिस्टेड है उन सब की अर्निंग पर शेयर निकाल करके सबको क्या है कंबाइन करना पड़ेगा एंड आपकी एक एवरेज निकाल सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितनी है। बट आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन सब है, अवेलेबल है, आप वो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, उस चार्ट को देखने के लिए trendline.com पे आ सकते हैं आप। trendline.com पे आएंगे आप तो देखिए आपको दो मूवमेंट दिखेंगे, एक स्टॉक की पीई दिख रही है और दूसरी प्राइस टू अर्निंग की मूवमेंट दिख रही है। दोनों मूवमेंट आप ध्यान से देखिए, इन दोनों मूवमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी छुपी है, बहुत अच्छी नॉलेज छुपी है जो जिससे आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में प्राइस टू अर्निंग जो है वो आपकी है जो पिंक कलर की है एंड पीई जो है जो निफ्टी 50 की पीई है वो क्या है फ्रेंड्स, वो आपकी डार्क ब्लू कलर की है। तो अब ये डार्क ब्लू कलर की करंट की जो आप पीई रेशियो देखिएगा 19 पॉइंट समथिंग चल रही है एंड इसकी अर्निंग पर शेयर क्या है 19.55 चल रही है। फ्रेंड्स, आप ये चीज़ ध्यान देखिए, जैसे ही स्टॉक्स की पीई गिरनी शुरू हुई, ठीक है, इस स्टॉक ने थोड़ा सा टाइम लिया एंड फिर इसने गिरना शुरू कर दिया। फ्रेंड, जब तक ये उठेगा नहीं, क्या नहीं उठेगा, जब तक स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग उठेगा नहीं, ये नहीं उठेगा। अब सेम वे में आप इसका कहीं पे भी जा करके पीछे आप हिस्ट्री में जा करके चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री में चेक करनी आप हिस्ट्री में चेक कीजिए, ठीक है, आप कहीं पे भी चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको एक माइंड में पूरी क्लैरिटी मिलेगा कि ये कब उठ सकता है। अब चलिए पीछे चलते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये करेक्शन गया, फिर ऊपर गया, अब ये स्टॉक्स ने भी उसको क्या बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही अर्निंग बढ़ेगी स्टॉक भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भी अर्निंग क्या है, पहले अर्निंग फॉल होएगी फ्रेंड,
देन फिर जो आपका है इंडेक्स फंड है वो भी फॉल होना शुरू करेगा। और अब दूसरी जो पॉइंट इसमें मैं खास बताना चाहता हूँ आपको कि आप हमेशा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें निवेश करना है तो हमेशा जब करेक्शन हुई पड़ी हो और अच्छी करेक्शन हुई पड़ी है तब अगर आप निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एक अच्छे स्टॉक की मूवमेंट या अच्छे इंडेक्स फंड में पैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ये करेक्शन पे है, ठीक है, ये भी डाउन में है और यहाँ पे सेम इंडेक्स फंड आपको बहुत सस्ती मिलेगी एज कंपेरिजन टू अगर आप बुल मार्केट में थोड़ा पहले 1 साल पहले निवेश करते तो आपकी उस समय कितनी पीई थी, 39 की थी पीई थी, आज कितनी की पीई है, 19.54 की है। तो ये ग्रीन जोन है फ्रेंड्स, और ग्रीन जोन और दूसरी जोन को समझने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए ये है Nifty50-ratio.com, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारी ग्रीन जोन आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है ये निवेश करने का टाइम होता है, एंड ये जो दूसरा कलर है रेड कलर, कहीं ना कहीं आपको ये मार्केट ये बता रही है कि इस समय आपकी खतरे की घंटी हो सकती है। और ये आपके देखिए 99 से ये बनाया हुआ चार्ट है, तो आप इसको देख करके काफी अच्छी कुछ इससे सीख सकते हैं। एंड देखिए खास करके ग्रीन वाइट वाइट जब किया हुआ है जो हैवी मार्केट करेक्शन है एंड हैवी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप इन सब बातों का ध्यान दीजिए एंड आप अवश्य इससे बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब देखिए एक चार्ट आप यहाँ पे आइए, सेम थिंग आपको नोटिस करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड निफ्टी 50 की जो पीई है अगर आप उसको देखिएगा तो निफ्टी 50 19.54 है एंड इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसकी मूवमेंट ये है। तो फ्रेंड्स इसकी मूवमेंट ऊपर जानी बहुत ज़रूरी है, जैसे ही इसकी मूवमेंट ऊपर जाएगी प्राइस टू अर्निंग बढ़ेगी तो प्राइस टू आपकी जो निफ्टी 50 की इंडेक्स फंड है उसकी मूवमेंट भी बढ़ेगी। और दूसरी फ्रेंड ये नोटिस कीजिए कि ये जो 19.5 बिलो 19.5 या बिलो 20 है ये कितनी बार गई है, एंड इसके बाद जब ऊपर जाती है तो ये भागती है फ्रेंड, ठीक है। तो आप ये नोटिस कीजिए एंड सही टाइम पे निवेश करेंगे तो आपको कम पैसे में ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आई होप कि मैंने एक अच्छा कंटेंट आपको दिया है एंड आपने कुछ लर्निंग करी है तो कृपया आप अपना फीडबैक दें, लिखिए, मैसेज कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आगे लोगों तक भी पहुँचे। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।